गाइस फाइनली चांद निकल के आ चुका है और आपको दिखाता हूँ और दिखाता हूँ। गाइस सब भग भग के जा रहे हैं। गाइस यहाँ पर सारी तैयारी चल रही है, थाली भी सज चुकी है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब अपने अपने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्दी हो चुकी है, सब एक साथ यहाँ पर पूजा करने के लिए आ गए हैं, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। ये मेरा थर्ड करवा चौथ है और हम लोग जा रहे हैं सुहाग महोत्सव में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा प्रोग्राम हुआ था मेहंदी वाला, उसी का जो सेकंड इवेंट है लेडीज़ क्लब का, वो सुहाग महोत्सव है। उसमें बहुत सारी लेडीज़ आती है, बहुत सारी फैमिलीज़ आती है, हम लोगों का वहीं पर खाना होता है, हम लोग वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस करते हैं। तो आज आपको वीडियो में मिलेगा एक सरप्राइज़, ठीक है। और मैंने ये मेहंदी लगवा ली है, ये लिखा है मैंने अपने हस्बैंड का नाम और मैंने यहाँ पे लिखा है हमारा निकनेम, जो कि आपको शायद दिख पा रहा होगा, जोरा। आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो में आने वाला है बहुत मज़ा। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं वेन्यू पर और हम जा रहे हैं अंदर। अब दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या होता है। गाइस फाइनली जोरा आ चुकी है और आप देख सकते हैं आपको एक्चुअल ड्रेस दिखाने वाले कैसे लग रही है। तो यहाँ पे है जोरा पूरी फुल ऑन तैयार और आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए जा रहे हैं आगे, यहाँ पर मीडिया भी आई है, फोटोग्राफी चल रही है एंड एज यूजुअल प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स राहुल जी आ गए हैं, वो भी बहुत देर से आए हैं, जब हमारा प्रोग्राम पूरा कम्प्लीट हो चुका था, हमने डांस सब कर लिया था, उसके बाद ही आए, तो इनको इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी।
तो फ्रेंड्स अब हमारा डांस भी कंप्लीट हो चुका है और मिस्टर राहुल जी बहुत लेट आए, जब तक हमारा परफॉर्मेंस पूरा हो चुका था और इन्होंने परफॉर्मेंस कुछ देखा भी नहीं, इसकी इनको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। आप क्या बोलते हो गाइस? मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि बीच में बहुत ट्रैफिक था और कोशिश करेंगे इसके अंदर कुछ ऐड कर दें, इनका डांस वगैरह किसी से अरेंज करके फिर आपको शायद मे बी जोरा का डांस देखने को मिल सकता है। और आपको पता है ना व्रत मैंने आपके लिए किया है। हाँ किया तो है। लेट हो खाना वाना खा के आया हूँ मैं तो अब क्या सीन है, अपनों क्या करना है? यहाँ पे देखो बहुत सारी परफॉर्मेंस हो रही है लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं चांद का, क्योंकि जैसे ही चांद आएगा हम लोग पानी पियेंगे और फिर व्रत खोलेंगे। हम लोगों ने थोड़ी सी शूटिंग भी कर ली है और न्यूज में भी थोड़ा सा आ सकता है मे बी। अभी हाल फिलहाल कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है प्राइजेस वगैरह की, तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और ये मेरा जो है वो तीसरा करवा चौथ है लेकिन फर्स्ट वाली फीलिंग मुझे आ रही है क्योंकि इतनी मस्ती हो रही है, इतने मजे हो रहे हैं यहाँ पर। भाई आप देख सकते हैं आप ऐसा अपनी तैयारियों के साथ में आए हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो गाइस सब लोग अब भाग के जा रहे हैं कि चांद की एंट्री हो चुकी है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है कहाँ एग्जैक्टली चांद, तो देखते हैं लेट्स सी कहाँ पे है चांद। गाइस फाइनली चांद निकल के आ चुका है और आपको अब दिखाता हूँ और दिखाता हूँ। गाइस सब भग भग के जा रहे हैं। गाइस यहाँ पर सारी तैयारी चल रही है, थाली भी सज चुकी है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब अपने अपने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्दी हो चुकी है, सब एक साथ यहाँ पर पूजा करने के लिए आ गए हैं आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर चालू हो चुकी है पूजा और आई गेस आप लोग को चांद अब दिख जाए और यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी है गाइस। गाइस यहाँ पे खाने की वेटिंग हो रही है और यहाँ पर सब लोग फोटोग्राफी करवा रहे हैं आप देख सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे लोगों का खाना शुरू हो चुका है जो काफ़ी वेट कर रहे थे और बढ़िया खुशबू भी आ रही है। फाइनली ज्योति को मिल गया मौका खाना खाने का, मज़ा आ रहा है अब जाके शांति मिली है, खाना भी यहाँ लग गया है, हलवा आ रहा है।